अरे भाई, बहुत दिन हो गया लेकिन अभी भी हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार यूपीआई की फीचर दिया ही नहीं गया। तो आप लोगों का कमेंट काफी ज्यादा आ रहा था इस चीज को लेकर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कब आएगा, पंजाब नेशनल बैंक में कब आएगा और बाकी के बैंकों में कब आएगा। हालांकि कुछ बैंकों में आ चुका है, चुनिंदा बैंक में आ चुका है, मिल चुका है, जिसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो आपको दे रखा हूँ। अब आप लोगों का काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था तो सोचा कि एनपीसीआई से इसी विषय में बातचीत कर लिया जाए और उनसे अपडेट ले लिया जाए। तो मैंने ट्विटर हैंडल पर भीम को, जो कि एनपीसीआई भीम को, मैसेज किया, डायरेक्ट मैसेज, और पूछा कि अभी तक जितने भी बैंक में आधार यूपीआई की फीचर आया है उसका एक बार लिस्ट हमें दिखा दीजिए ताकि संतुष्टि मिल जाए कि चलो इतने बैंक में आधार यूपीआई आया है और बाकी के बैंक में जल्द आएगा। अब ये थोड़ा निकले तेज, ये बोले कि आप रिप्रेजेंटेटिव बैंक का नाम बताओ जिसमें आप ढूंढ रहे हो। तो भाई, हम तो आप लोगों का कमेंट देख चुके थे, तो आप लोगों के कमेंट में से देखकर मैंने बैंकों का नाम लिखना शुरू किया जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक और बैंक का नाम लिखने वाला था, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा कि ये भी सोचेंगे कि अरे यार कितना बैंकों में तेरा खाता है। तो वहाँ पर उनके तरफ से इस पर रिप्लाई मिलता है कि बहुत जल्द सभी बैंकों में जो है आधार यूपीआई की फीचर आ जाएगा, पेशेंस रखिए। अब ये तो बहुत दिन से सुन रहे हैं लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है। अब सुनिए, मेरा भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है और उसमें डेबिट कार्ड नहीं है, यूपीआई कर रहे थे, उन लोगों ने बंद कर दिया, बोल रहा है कि फिर से यूपीआई पिन बनाओ। अब जब फिर से यूपीआई पिन बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पर डेबिट कार्ड खोज रहा, डेबिट कार्ड के लिए जब ब्रांच गया तो ब्रांच में पता चला कि वहाँ पर चिप ही नहीं मिल रहा, शॉर्टेज है, जिससे आपका जो डेबिट कार्ड है 2 महीना बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आवेदन ले लेता हूं, वहां पर 2 महीना बाद आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा। मतलब यार, ईएमवी चिप की भी कमी है, डेबिट कार्ड भी तुरंत नहीं दिया जा रहा 2 महीना बाद, और आधार यूपीआई की फीचर भी नहीं दिया गया। सोच सकते हैं तो हम यूपीआई कैसे इस्तेमाल करें। इस चीज को सरकार को और इन लोगों को समझना चाहिए। खैर, जो यहाँ पर अपडेट था मैंने आपको बता दिया, काफ़ी दिन से यही सुनते आ रहा हूँ। एनपीसीआई की तरफ से जो डेडलाइन था 30 जून 2022 तक सभी बैंकों को आधार यूपीआई फीचर दे देना था, अब वो डेडलाइन भी खत्म हो गया और डेडलाइन के बाद फिर से नया डेडलाइन नहीं बना, इससे क्या समझा जा सकता है। खैर, जो कुछ भी समझिए वो तो हम लोग समझ ही रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है जो कि मजबूरी है, क्या करिएगा। यहाँ पर कुछ दिन और वेट करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से बोला जा रहा है जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कोई डेट भी नहीं दिया जा रहा है, इंतज़ार करो इंतज़ार करो। अरे, जब आ जाएगा वो तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि अलग अलग बैंकों में हम लोगों का अकाउंट रहता है, तो जिनके बैंक में आ जाएगा ना कमेंट करके बता देना, साथ ही साथ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह आप सेंड कर सकते हो तो कर देना, ताकि उसी स्क्रीनशॉट के मदद से औरों को हम जानकारी दे सके। क्योंकि होता क्या है कि जो बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक में अकाउंट मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नहीं होगा तो बाकी लोगों को भी जानकारी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा जिस बैंक में आ चुका है, आपको सर्विस मिल चुका है, और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फिलहाल टेंशन नहीं लेना, जब भी इन सभी बैंकों में आता है मुझे मालूम होता है, वैसे ही मैं नया वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा कि किस तरह से आप ये चीजें जो है कर सकती हैं और आधार कार्ड के मदद से यूपीआई पिन सेट और रिसेट कर सकती हैं। थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन भी बता देना चाहेंगे, शायद आप लोग जानते होंगे कि आधार ओटीपी जो यूपीआई पिन सेट और रिसेट की प्रोसेस है वो तभी आप कर सकती हैं जब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो, और जो मोबाइल नंबर लिंक है वही बैंक अकाउंट में लिंक हो तभी आप ये प्रोसेस कर सकती हैं। और यहाँ पर फिलहाल जो है भीम एप्लीकेशन में ही ये आधार यूपीआई पिन सेट होता है। हालांकि एनपीसीआई की तरफ से कहा गया है कि जितने भी यूपीआई संबंधित चाहे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह वगैरह सभी को ये फीचर देना होगा, लेकिन अभी तक भीम एप्लीकेशन को छोड़कर दूसरा में नहीं मिला है। तो एक बार सभी बैंकों में आ जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सभी एप्लीकेशन में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी बेहतर ढंग से दे दिया है, जो कुछ भी अपडेट आया था क्या कीजिएगा, जो अपडेट आया था वो मुझे देना पड़ा क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा था और कुछ कमेंट का रिप्लाई मैं दे पा रहा था, कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो एक होता है ना कि कब से पूछ रहा हूं आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो चलो इससे अपडेट आपको मिल गया। फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों को भी तसल्ली मिल सके। अब यहां पर फिक्स नहीं है, देखो बैंक से भी बात करोगे तो बोलेंगे कि बहुत जल्द आ जाएगा, आपको सूचित करा दिया जाएगा, तो पूरा मिलावटी वाला बात है, कोई भी फिक्स
डेट नहीं है। एक लगता था जब डेडलाइन जारी होता था तो लगता था कि इतने तारीख तक जो है सभी बैंक ला देगी, लेकिन इस बार तो कोई डेडलाइन भी जारी नहीं किया गया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।